आज हम बनाने जा रहे हैं कैबेज के मंचूरियन। आपने कई तरह के मंचूरियन खाए होंगे, लेकिन आज जो हम मंचूरियन बना रहे हैं बहुत अमेजिंग बनते हैं। ये रेसिपी थोड़ी सी अलग है। गोभी के मंचूरियन खाए होंगे आपने, नॉर्मल जो मिक्स वेजिटेबल के मंचूरियन होते हैं वो भी खाए होंगे, लेकिन सिर्फ कैबेज के मंचूरियन बहुत अमेजिंग लगते हैं। तो कैबेज के मंचूरियन बनाने के लिए हमने कैबेज को बिल्कुल फाइन यहाँ पर ग्रेट करके लिया है इस वाले ग्रेटर की हेल्प से। तो इसमें तीन चार पार्ट होते हैं, ये तो जो सबसे छोटा होता है ना उससे इसको ग्रेट करना है बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पर कैबेज को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो एक कैबेज लिया है मैंने ऑलमोस्ट 400 ग्राम का। आप अपने घर के हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं। तो मैंने 400 ग्राम कैबेज को कद्दूकस कर लिया है। इसके अलावा कुछ और सब्जी भी हम लेंगे। बारीक कटा हुआ गार्लिक और बारीक कटा हुआ अदरक हम लेंगे इसके लिए। तो गार्लिक की 8-10 क्लोव है और 1-1.5 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक काट के लिया है, ये कंपल्सरी है। और ये है बारीक कटा हुआ कैबेज, या फिर कद्दूकस किया हुआ कैबेज भी आप ले सकते हैं, ये ज़रूरी है यहाँ पर इसे लेना। उसके बाद लंबी कटी हुई येलो शिमला मिर्च, लंबी कटी हुई हरी शिमला मिर्च, आपके पास लाल वाली है तो वो भी ले लें, और फिर बारीक कटी हुई लाल वाली नॉर्मल जो मिर्च होती है वो, और ये है स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। तो ये सारी चीज़ें ले लेंगे और वेज मंचूरियन बनाना शुरू करेंगे। कैबेज को बिल्कुल बारीक बारीक घिसने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर इसमें ज़्यादा ऐड ना करें, नहीं तो जब आप मंचूरियन बनाएंगे तो उसमें आटे का फ्लेवर फील होगा आपको। तो 400 ग्राम्स के लिए ये वाली चम्मच जो आप देख रहे हैं मैंने 3 टीस्पून डाला है इसमें, तो खाना खाने वाली चम्मच भी कह सकते हैं आप इसे। उसके बाद 3 टीस्पून हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी रखेंगे सेम। उसके बाद नमक डाल देंगे एज़ पर टेस्ट, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर, और थोड़े से हम इसमें डालेंगे ग्रीन स्प्रिंग अनियंस। तो ग्रीन वाला पार्ट उसमें डालेंगे और हाथों से थोड़ा प्रेशर डालते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हाथों से प्रेशर डालना ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डो जैसे शेप ले रहा है, जैसे मटर लगाते हैं ऐसी शेप लेनी शुरू कर दी है। अब इसके छोटे छोटे इस तरीके से बॉल बना लेंगे। तो इजीली बॉल बन रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा लिक्विडी हो रहा है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ी सी मैदा इसमें और ऐड कर ले, लेकिन ये परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हार्ड हमें नहीं बनाना है, नहीं तो ये जो मंचूरियन है वो हार्ड बनेंगे। बिल्कुल ऐसे इनको बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मंचूरियन बना लिए हैं, बिल्कुल ऐसे आपको इन्हें बनाना है। और उसके बाद मीडियम मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए फ्लेम को मीडियम ही रखना है। लो फ्लेम पर अगर आप इन्हें पकाएंगे तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और हाई फ्लेम पर अगर आप इन्हें पकाएंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से आपको लगेगा कि पक गए हैं लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे हम। तेल हमारा गर्म हो गया है, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे गर्म किया है। तो चलिए अपने वेज मंचूरियन फ्राई करते हैं, कैबेज के मंचूरियन। मंचूरियन डालने के बाद आपको उन्हें छूना नहीं है एटलीस्ट 3 मिनट के लिए। अगर आप उन्हें छुएंगे तो वो बिखर जाएंगे इसमें, तो उनको ना छुएं। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं। जितना स्पेस आपकी कढ़ाई में हो उतने ही मंचूरियन डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे। और इनको पका लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं तो चलिए एक बार इसमें चम्मच घुमा देते हैं हम। तो 2 मिनट से पहले नहीं घुमाना है। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, कोई भी चिपका नहीं है और ना ही कोई फटा है। तो बिल्कुल ऐसे आपको 2 से 2.5 मिनट का वेट करना होगा, उसके बाद आप इन्हें पलटे, इजीली पलटे जाते हैं ये। मंचूरियन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो गया है। तो बस अभी इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा इन्हें फ्राई ना करें। और बिल्कुल इसी तरीके से सारे मंचूरियन बना लें आप। ये गोभी के मंचूरियन बहुत अमेजिंग बनते हैं। आपने इससे पहले इतने टेस्टी मंचूरियन नहीं खाए होंगे तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बाहर निकाल लेती हूँ और बाकी को भी ऐसे फ्राई कर लूँगी। मंचूरियन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो चलिए अब इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो अभी हम कैबेज के मंचूरियन का मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक पैन रखा है और उसमें 2 चम्मच डाला है ऑयल। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो जो खाना बनाने वाला चम्मच होता है वो 1.5 चम्मच मैंने लिया है, और नॉर्मल जो चम्मच होता है वो 2 से 2.5 चम्मच है, वो डाल देंगे। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म होगा तो इसमें हम अदरक लहसुन डाल देंगे जो हमने बिल्कुल बारीक काट के लिया है। तो इसको अच्छे से गर्म करें पहले, फिर डालें, और अच्छे से इसको 30 सेकेंड के लिए भून लें, ज़्यादा ना भूनें। किसी भी तरह का चाइनीज़ फूड बनाने के लिए फ्लेम हमेशा हाई की जाती है, तो फ्लेम हाई ही रखनी है पूरे प्रोसेस के दौरान। तो हाई फ्लेम पर हम इन्हें भून लेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, उससे ज़्यादा ना भूनें। अभी हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, लाल वाली मिर्ची बारीक कटा हुआ, और इनको भी हम 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे।
30 से 40 सेकंड के लिए सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पर भून लेंगे। उसके बाद जो कैबेज हमने काट के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और वो भी 30 से 40 सेकंड्स के लिए भून लेंगे। उसके बाद 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। सारी चीज़ें डालने के बाद हाई फ्लेम पर भूनेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। 3 टीस्पून हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस, जो घर में हम यूज़ करते हैं ये वो वाली टमाटो सॉस है, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम हाई रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 1 टीस्पून लेंगे कॉर्नफ्लावर और पानी में घोलकर थोड़े से पानी में इसको इसमें ऐड कर देंगे। 30 से 40 सेकंड के लिए इस ग्रेवी को पका लेंगे हाई फ्लेम पर। टेस्ट करने के बाद नमक ऐड करें, तो यहाँ पर पहले टेस्ट करें क्योंकि हमारे सॉसेज में नमक था, उसके बाद नमक ऐड करें। और गर्मा गर्म सॉस में हम ऐड कर देंगे अपने मंचूरियन जो हमने फ्राई करके रखे हैं। तो यहाँ पर फ्लेम बंद कर दें आप और इन्हें मिक्स कर लें, इससे ज़्यादा इन्हें ना पकाएं नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो बस अभी इसी टाइम पर इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन हम इसमें डाल देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे अपने मंचूरियन को। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मंचूरियन को प्लेट आउट कर लिया है, कितने अमेजिंग लग रहे हैं दिखने में ही, ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो ये है हमारे कैबेज के मंचूरियन जो बहुत जल्दी बन जाते हैं, इन्हें बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक तोड़ के अंदर से कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो फटाफट ये आराम से इजीली, ये देखिए तो बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी हमारे मंचूरियन बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एशियन क्विक रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू।